कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। क्या बात है सोहेल? मैं सच कह रही हूँ मिस्टर खान, कोई बात नहीं है। मिस फारूकी, कोई और आपको पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। आप सबसे झूठ बोल सकती हैं, मुझसे भी। लेकिन आपकी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और बताओ मुझे कि ये सब लोग क्या कह रहे हैं? प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, प्लीज। मैं आपको आपको सब कुछ समझाता हूँ। इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई कैन एक्सप्लेन। तुम्हें अपनी सफाई में जो कहना था ना यार, तुम कह चुके। तुमने कहा कि तुम पे हमला हुआ, हम सब लोगों ने यकीन किया। लेकिन ये निकाह कैसे? अब्बू, हुमैरा और मुझ पे अटैक हुआ था, मैंने सच कहा था। लेकिन ये निकाह, अब्बू मैं कैसे समझाऊं आपको? समझाना पड़ेगा तुम्हें अयान। अब्बू मैं कैसे समझाऊं कि मुकद्दर ने क्या खेल खेला है मेरे साथ? मुकद्दर का खेल? निकाह कोई खेल नहीं है अयान। और तुम अपनी इस हरकत का इल्जाम मुकद्दर पर नहीं लगा सकते। मामू, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। ये सब करने का मेरा इरादा नहीं था। तुम्हारा इरादा क्या था वो हम नहीं जानते। बस इतना बताओ कि तुम्हारा निकाह हुआ है या नहीं। हाँ या ना यार? हाँ हुआ है, लेकिन कितनी बार तुम हमें सबके सामने जलील करोगे? कितनी बार? कितनी बार हमारी बेटी का दिल दुखाओगे? कितनी बार दुखाओगे उसका दिल? कौन है वो लड़की? अयान, मैं तुमसे पूछ रही हूं, कौन है वो लड़की? जोया, जोया, जोया। जोया फारूकी। अल्लाह, असद की होने वाली दुल्हन, दिलशाद भी जी, असद मियां के निकाह में तो थोड़ा वक्त है ना? तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर के लिए उस घर होकर आती हूँ। उस घर सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है सोया, प्लीज मुझे बताओ।
प्लीज। इस जहान में कहीं गई थी, वो मुझे इमरान के बारे में कुछ पता चला था। मुझे नजमा की फिक्र हो रही थी, मैं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। क्या पता चला था आपको इमरान के बारे में? खान इमरान और तनवीर। आप मुझे निकाह की मुबारकबाद नहीं देंगे? इमरान तनवीर क्या कहना चाहते हैं मुझे साफ साफ बताइए, क्या बात है? मौलवी साहब, ये निकाह हुआ ही नहीं है। मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब लड़का लड़की रजामंद ही नहीं थे और ये सब कुछ एक गलती थी, तो ये सब सिर्फ गलत फहमी है, निकाह नहीं। आप लोग समझिए बात को। मौलवी साहब, अयान अपनी मर्जी से वहां नहीं गया था और ना ही उसने अपनी मर्जी से सेहरा बांधा। वही, ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं रजामंदी नहीं ली, आप कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, तो क्या निकाह वैसे ही हो गया? अजी साहब, हमने खुद इनका निकाह करवाया है इन सबके सामने, दोनों से बाकायदा पूछा गया था कि आपको कबूल है। जब दोनों ने हाँ कहा तभी तो निकाह हुआ। देखिए साहब, अगर ये निकाह नाजायज है तो इनके साथ हुए बाकी सब निकाह भी नाजायज माने जाएंगे, क्योंकि तमाम निकाह एक साथ हुए हैं। हमने तो सोचा था कि आपने अयान का निकाह इस तरह करवा के बड़ी दिलेरी दिखाई। निखत, 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 दरवाजा खोलो। अब्बू, अम्मी, निखत, निखत, दरवाजा खोलो। निखत, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। बात को सुनो निखत, निखत, दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा खोलो, बात सुनो, दरवाजा खोलो। निखत, निखत, आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूंगा, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ, क्या बात? मिस्टर खान, भाईजान, क्या बात है? क्या हुआ भाईजान? निखत ने अपनी कलाई काट ली है। व्हाट? सब मेरी गलती है भाईजान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, वरना निखत आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। डॉक्टर साहब, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूं, आप फौरन घर आइए। या अल्लाह, कहीं अयान ने मिस्टर खान को सब कुछ पता तो नहीं दिया? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।